नमस्कार, तन्वी तिवारी ब्लॉग में आपका स्वागत है और मैं हूँ तन्वी। तो आज हम बनाएंगे एकदम मार्केट वाली चाट, जो बाज़ार में मिलती है ना, वैसी वाली। तो सबसे पहले मैंने इसके ले ली है पापड़ी, और पापड़ी मेरे घर पे थी तो मैंने ले लिया है। आप बाज़ार वाली पापड़ी भी इसमें यूज़ कर सकते हो। तो एक बर्तन में पहले रखेंगे पापड़ी, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे ये आलू। मैंने ले लिया है पका हुआ, उबला हुआ आलू है, छोटे छोटे पीस में मैंने इसको काट लिया है, और सारी पापड़ी में मैं इसे थोड़ा थोड़ा डाल दूँगी। ये देखिए, इसके बाद डालेंगे ये हरी मिर्च, बारीक काट ली है, तीखा आप अपने पसंद अनुसार कर सकते हैं। और फिर हम इसमें डालेंगे प्याज, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। प्याज आप जितनी भी बारीक कर सको ना, उतनी बारीक काट लो। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर, बारीक इसको भी काट लिया है। फिर से थोड़ा सा प्याज डाल देती हूँ, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। तो मैंने नींबू का रस डाल दिया है इसमें, और फिर डालेंगे सेजवान चटनी। तो बहुत छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी सी डालें, बहुत थोड़ा सा डालें। और इसके बाद इसमें डालेंगे दही, तो दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था। आप बाज़ार और मार्केट कोई सी भी दही इसमें यूज़ कर सकते हो। इसके बाद डालेंगे इसमें सेव, तो ये भी घर का सेव है, और बाज़ार वाली जो आलू भुजिया नमकीन आती है आप वो भी डाल सकते हैं। तो ये सेव घर में ही बनाया है। अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, मैं इसकी रेसिपी ज़रूर डालूँगी। ये डाल देते हैं थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस, अगर आपके पास हरी चटनी है तो आप हरी चटनी भी डाल सकते हो। और फिर इसमें डालेंगे टोमेटो केचप, ये देखिए थोड़ा थोड़ा ही डालते हैं। फिर से डालेंगे थोड़ी सी दही, और दही में अगर आपको खट्टा मीठा स्वाद चाहिए तो आप उसमें थोड़ा सा चीनी और थोड़ी सी नमक डाल सकते हैं। फिर से डाल देते हैं टोमेटो केचप, और फिर से हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली सॉस। उसके बाद हम इसमें डालेंगे सेव, तो आपको जो पसंद हो आप इसमें सारा कुछ डाल सकते हो, सारी सब्जियां डाल सकते हो, आपको जो भी पसंद है। आप उबली हुई मटर डाल सकते हो, या वाइट वाला जो मटर आती है वो भी डाल सकते हो। तो ये पापड़ी चाट हमारी बनके तैयार है। मैंने इसमें ऊपर से जीरा पाउडर और काला नमक डाल दिया है, चाट मसाला डाल दिया है थोड़ा सा, थोड़ी सी धनिया। अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आए हों तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, थैंक यू।